व्यूअर्स, अगर आपको टीएमजी प्रॉब्लम है जिसको हम टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ जबड़े से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जो ठीक कान के पास होती है, एक ऐसे ज्वाइंट पर जहाँ पर जब हम मुंह चलाते हैं तो दो हड्डियाँ हमारी यहाँ की और इस सर की जो हड्डियाँ जहाँ मिलती हैं उस जगह पर समस्या आ जाती है, जिसमें जबड़े का लॉक हो जाना, जबड़े में दर्द होना, इस जगह पर सूजन आ जाना या और दूसरी समस्याएं, जिसके बाद हमें समस्या आती है खाना खाने में, मुंह चलाने में और हर समय एक दर्द सा बना रहता है। तो ऐसी स्थितियों में हम घर पर इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे करें, जहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको हम कैसे हैंडल करें। तो हमने डेंटल एक्सपर्ट से बात की है आपकी इन्हीं समस्याओं के बारे में, जो कि आपने कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट किए थे, अपनी समस्याएं बताई थी, तो उनको मैंने समराइज करके उनसे पूछा है। तो चलिए जानते हैं, अगर आपको इस तरीके की समस्याएं हैं तो कैसे आप उनका समाधान कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया सर। हमारे पास टीएमजे से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं, तो जी। मैं आपसे वन बाय वन वो क्वेश्चंस पूछूंगा। इनको हमने समराइज किया हुआ है, तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है हमारे पास वो ये है कि मैं आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे टीएमजे प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे बताएं। अगर किसी के टीएमजे प्रॉब्लम है और वो आर्मी में या ऐसे एग्जाम में अपियर होना जा रहा है जहाँ पे डेंटल चेकअप भी होता है, तो ये बेटर है कि पहले अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट या इलाज करा के ही जाए, क्योंकि अगर आपके टीएमजे प्रॉब्लम है, आपका जा मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, डेंटल अलाइनमेंट डिस्टर्ब है और खाने चबाने में समस्या है, तो वहाँ पे इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करेंगे और आपको रीमेडिकल अनफिट या टेम्परेरी अनफिट भी कर सकते हैं। तो अगर टीएमजे प्रॉब्लम है तो किसी डेंटल सर्जन से, किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद ही अपियर हो, जिससे कि एग्जाम में किसी तरह की परेशानी ना हो, रिजेक्शन का कोई चांस ना रहे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने किया है कि मुझे टीएमजे प्रॉब्लम के कारण चक्कर आने लगा है और सिर में भी दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कुछ बताएं सर। टीएमजे प्रॉब्लम के कारण चक्कर आ रहा है, सर में तेज दर्द हो रहा है, इसके माने कि टीएमजे प्रॉब्लम अभी सीवियर हो गई है, ज्वाइंट के पास में ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो किस जगह, किस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूर फौरन रिक्वायरमेंट है, आप किसी डेंटल सर्जन से संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट फौरन ही लें, जिससे कि समस्या और गंभीर ना हो, और कुछ मेडिसिन के सहारे प्रिकॉशंस के सहारे आपकी समस्याएं कुछ ही समय में अपने आप खत्म हो गई। लेकिन सर इस समय तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बताएं जो घरेलू उपाय हो जो घर पे किया जा सकता है। घरेलू उपाय ये है कि आपको केयरफुल्ली वहां पे जा का मूवमेंट करना है, हार्ड सब्सटेंसेस को चबाना नहीं है, ठीक है, जा को रिलैक्स रखना है, और डे टू डे जो मेडिसिन घर में पेन किलर यूज करते हैं, अगर ज्यादा दर्द हो तो वो दवा ले सकते हैं, सीवियर प्रॉब्लम के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा। सर नेक्स्ट हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब मैं मुंह खोलता हूँ तो जबड़ा एक साइड हो जाता है और कट कट की आवाज़ आती है, मुझे दर्द भी होता है और खाना चबाने में भी समस्या होती है, यानी जो हम खाना खा रहे हैं वो हम सही से खा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। मुंह खोलने में जबड़ा कट कट बोलता है, एक साइड शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका टीएमजे पॉइंट जो है वहां पे लूजनिंग हो गई है, आपका जब आप जॉब खोलते हैं तो आपका जो मैंडिबल की बोन है वो सॉकेट से बाहर आने लगती है, इस कारण से आपको कट कट की आवाज आती है, वो चबाने खाने में दिक्कत होती है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंडीशन में को अवॉइड करने के लिए आपको जॉ ओपनिंग को वाइड नहीं करना है, मुंह को छोटा खोलें, हमेशा सॉफ्ट खाना खाएं, खाने को दोनों साइडों से बराबर से चबाएं, और अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो बाहर के साइड से हल्का सा गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं, पेन किलर का सहारा ले सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जॉ मूवमेंट को
जल्दी जल्दी नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग रखना है। किस कारण से आपको समस्या होती है जब आप बड़ा मुंह खोलें, मुंह को बड़ा ना खोलें और केयरफुल रहें। डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है, डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है। सर इसमें हमारा नेक्स्ट सवाल हमारे व्यूअर का है कि मेरा जबड़ा लॉक हो गया है और मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर किसी का जबड़ा प्रॉपर ही आके कहीं पे जा फिक्स हो गया और नॉर्मली आपके हिलाने डुलाने से मूवमेंट करने से अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ रहा है, तो फिर किस दशा में आपको बगैर देर करे किसी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई डेंटिस्ट या कोई डेंटो मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपके जबड़े को रीसेट कर देगा, दोबारा फिक्स कर देगा, जबड़े को नॉर्मल पोजिशन में ले आएगा। इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर आपको कोई डॉक्टर डेंटिस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपके आसपास अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हो, आप उसकी सलाह भी ले सकते हैं कि वो उस जॉ मूवमेंट के बारे में या और उसके द्वारा ज्यादा ज्वाइंट होते हैं उन सबके बारे में वो काफी एक्सपर्ट होता है, वो भी आपको इस परेशानी से निजात दे सकता है और आपके जबड़े को दोबारा वहीं पर फिक्स कर सकता। जी ओके सर। सर नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टीएमजे की वजह से मेरा फेस टेढ़ा लग रहा है, टीएमजे की जगह पर यानी उस ज्वाइंट की जगह पर कुछ ग्रोथ हो गई है या फिर मानो सूजन आ गई है, तो क्या उपचार है इसका, क्या करें हम? इन कंडीशन में टीएमजे वहां पर जिस लोकेट होके वहां पर ओवर ग्रोन बन गई है, हड्डी बाहर आ गई है या टेढ़ा हो गया है, इस कंडीशन में कुछ सर्जिकल प्रोसीजर की आवश्यकता होगी। अगर कोई सर्जन आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आपको कुछ माइनर सर्जरी कराना पड़ेगी जिसके जरिए आपके परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, तो उस सर्जरी को जरूर परफॉर्म करवाएं। डेंटिस्ट की सलाह के साथ ही उस सर्जरी के द्वारा आप इस बीमारी से परमानेंटली छुटकारा पा जाए। सर टीएमजे के प्रॉब्लम से ग्रसित अगर कोई पेशेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, तो इसके लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन, क्योंकि घर पर इस समय वो मेडिसिन ही ले सकता है जिससे उसको आराम मिलेगा। तो ऐसे में जहां लॉकडाउन की स्थिति में कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, नहीं जा सकते, नहीं दिखा सकते, तो कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताइए जो वो अपने आसपास से जाकर केमिस्ट से ले सकें और जिससे उनको अगर सीवियर पेन हो रहा है, बहुत दर्द है, सहनीय दर्द है, तो उस स्थिति में इन मेडिसिन से उनको आराम मिले। नॉर्मल पोजीशन में हल्का फुल्का दर्द है, थोड़ा स्वेलिंग है, दर्द है, तो जो जनरल पेन किलर्स दवाएं आती हैं जैसे डाइक्लोफेनेक पोटेशियम टैबलेट होती है, ब्रूफेन टैबलेट होती है, पैरासिटामॉल टैबलेट होती है, जो ऐसी टैबलेट जो आपको सूट करे, नुकसान ना करे, वो आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। वरना अगर आप नहीं जा सकते कहीं पर, तो टेलीफोन आप किसी से कंसल्ट करके डॉक्टर की एडवाइस से केमिस्ट से दवा ला के खा सकते हैं, जिससे कि ये आपका जो टाइम है लॉकडाउन का वो अच्छे से पार हो जाए और जब आपको डॉक्टर अवेलेबल हो जाए तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिसिन मेडिकेशन करके इस प्रॉब्लम को खत्म करें। जी, और इन सारी चीजों के साथ साथ आपको प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताई वो जरूरी है कि हार्ट को ठीक करना है, माउथ को छोटा रखना है, रिलैक्स रखना है, जबड़े को पीछे नहीं रहना है, दांतों को आपस में ग्राइंडिंग नहीं करना है। इस चीजों की सावधानी लेकर आप इस समस्या से जल्दी निजात पा जाए। सर इस लॉकडाउन की स्थिति में जहाँ पर डेंटल क्लिनिक्स नहीं खुल रहे हैं, तो क्या जो व्यूअर्स हैं जिनको ये समस्या है, क्या वो किसी और को भी दिखा सकते हैं, जैसे कोई फिजिशियन या फिर कोई और एक्सपर्ट डॉक्टर? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली जी डेफिनेटली कोई भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो आपकी समस्या को समझ के सूजन दर्द के लिए, आपकी परेशानी के लिए बढ़िया दवा बता सकता है, उसकी सलाह से लेना ही ज़्यादा बेहतर है। सर इस समय कोरोना वायरस की वजह से जितने भी डेंटल सर्जन हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बैठते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, अभी नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है कि क्योंकि ये बीमारी मुंह से जुड़ी हुई है और छींकने खांसने से फैल रही है, तो ये क्लिनिक सारे बंद रहे। तो कुल मिलाकर ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है कि ऐसे स्थिति में जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे डॉक्टर से भी संपर्क करें। कोरोना इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए पेशेंट टू पेशेंट इन्फेक्शन से स्प्रेड ना हो, इस वजह से क्लिनिक अभी सस्पेंडेड चल रही है। तो जब अगर कोई डेंटिस्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर डेंटिस्ट ना मिले कोई फिजिशियन कोई भी डॉक्टर आपको इस पेन वाली कंडीशन से के लिए दवा बता सकता है, आप उसकी दवा को इस्तेमाल करके जो वक्त को अच्छे से गुजार लें, फिर अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली।
थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के थैंक लिए, यू, थैंक थैंक्स अ यू लॉट। थैंक यू। तो व्यूअर, जैसे आपको बताया गया, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तो कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।